नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज और आप देख रहे हैं अरु टेक्नोलॉजी। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जैसा कि दोस्तों अगर आपको ICICI बैंक BC बंद होने के बाद अगर आपको HDFC बैंक का BC पॉइंट चाहिए तो इस वीडियो का आप पूरा लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपके लिए यूजफुल वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर दोस्तों आपको HDFC बैंक का BC चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा, इस पे पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ऐसा कि दोस्तों मेरा ICICI बैंक का BC पॉइंट था जो कि मेरा बंद हो गया था, फिर मैंने CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात किया, उनको बताया कि सर मेरा BC तो बंद हो गया है तो कोई मुझे अदर बैंक का BC मिल जाएगा। तो उन्होंने बताया कि जैसे दोस्तों मिल तो जाएगा, कुछ वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। उन्होंने बताया था कि एक्सिस बैंक का BC आपको ओनली मिल जाएगा, उसमें अप्रूवल हो रहा है। तो दोस्तों एक महीने तक मैंने वेट किया, फिर कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने बताया थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो फिर दोस्तों मैंने HDFC का जो BF पोर्टल है उससे मैंने एक अकाउंट ओपनिंग करता, मतलब जो कि मैं हमेशा कर रहा था। तो दोस्तों मैंने एक अकाउंट ओपनिंग किया था तो उसका पूरा कंफर्म KYC करके एक्टिवेट खाता कर दिया था। फिर दोस्तों मुझे HDFC के जो एरिया हेड होते हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर आया कि आपका ICICI बैंक का BC बंद हो चुका है, तो HDFC का BC के लिए आपका अप्रूवल आया। तो दोस्तों उन्होंने बताया था कि आपको हमेशा हर महीने एक दो महीने तक एक्टिव रहना पड़ेगा, जो कि हर महीने में आपको 4 से 5 तक अकाउंट ओपनिंग और RD FD लोन प्रोडक्ट कोई भी लीड जनरेट करना पड़ेगा, मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा। और मतलब ग्रुप में एक ग्रुप नंबर भी दिया था, मतलब मेरा नंबर एक ग्रुप में ऐड कर दिए थे, उस पर शेयर भी करना होता था, जो कि दोस्तों मैंने ऐसा ही किया। फिर एक दो महीने तक मैंने हमेशा एक्टिव था, अकाउंट ओपनिंग RD FD कर रहा था। फिर मेरा अप्रूवल आ गया तो उन्होंने बताया था कि अपना फॉर्म जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड पूरा डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, हम आपका अप्रूवल भेज देंगे। फिर उन एक महीने बाद अप्रूवल हो गया, फिर आए मेरे शॉप का फोटो खींचे, फिर जो मेरे पड़ोसी होते हैं बगल का भी फोटो और नंबर भी लिया उन्होंने। फिर दोस्तों मेरा फाइनली HDFC का BC एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों यही है एक प्रोसेस है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका फाइनली 100% आपका BC एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।